Now, discussion on the working of the Ministry of Health and Family Welfare, Sri Ghulam Nabi Azad, to initiate. Maniye Deputy Chairman Sir, सबसे पहले तो मुझे उम्मीद है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री पूरे टर्म तक स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे क्योंकि दो साल के कम अरसे में दो मंत्री बदल गए हैं और मैं ये कोई वैसे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा मंत्रालय है कि जहाँ तक कंटिन्यूटी न हो और पूरे पाँच साल मंत्री अपने मंत्रालय में न हो तो तब तक बात नहीं बनती। मुझे खुशी है कि दोनों मंत्री, आज के मंत्री स्वास्थ्य के और इनसे पहले जो मंत्री थे हमारे दिल्ली के, दोनों अपने अपने राज्यों में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। मुझे एक एडवांटेज था कि मैं चीफ मिनिस्टर के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री रहा था, तो शायद एक दफ़ा अगर राज्यों में आप मंत्री रहे तो थोड़ी रुचि ज़रा ज़्यादा रहती है। सर, यूपीए वन और यूपीए टू में वैसे तो बहुत सारे मंत्रालयों में बहुत ज़्यादा काम हुआ, लेकिन कुछ ऐसे मंत्रालय थे जो स्टेट सब्जेक्ट थे, कैसे इश्यूज थे जो स्टेट सब्जेक्ट थे अरसे से, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, या सड़कें ग्रामीण विभाग में बनानी हो, ये तमाम स्टेट सब्जेक्ट होने के बावजूद भी यूपीए गवर्नमेंट इस नतीजे पे पहुंची कि अगर स्टेटों पे ये चीज़ें छोड़ दी जाएंगी तो शायद 200 साल और लगेंगे सड़कें बनाने में, हर गांव में स्कूल बनाने में, या स्वास्थ्य के तमाम साधन पर्याप्त करने में। सर, मैं आज चूंकि स्वास्थ्य मंत्रालय पर बहस हो रही है, मैं अपने आप को स्वास्थ्य मंत्रालय तक ही सहमत रखूंगा। मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ा जो काम हुआ, जो यूपीए गवर्नमेंट ने किया, वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था। और इस रूरल हेल्थ मिशन में, रूरल नेशनल हेल्थ मिशन जो था, इसमें इतने काम हाथ में लिए गए शायद राज्य सरकारों ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि इस तरह के प्रोग्राम भी हो सकते हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा पूरे देश का उत्थान हो सकता, गाँव से लेकर और नेशनल लेवल तक। सभी स्कीमों का नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ स्कीमें जो यूपीए वन और यूपीए टू में शुरू की गई, कुछ मुकम्मल हुई, कुछ पे काम चल रहा था, उनके बारे में मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूँगा कि जो मुकम्मल नहीं हुई उनका स्टेटस क्या है। कहाँ सर, यूपीए वन और यूपीए टू में दो तीन चीज़ों की तरफ विशेष ध्यान दिया गया स्वास्थ्य मंत्रालय में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर और एम्स तक, मेडिकल कॉलेजेस तक, और ह्यूमन रिसोर्स एचआर, डॉक्टर्स हो, एनएम्स हो, जीएनएम्स हो, आशा हो, एक नई क्रिएशन हुई आशा, इसकी तरफ ध्यान दिया गया। मेडिकल कॉलेजेस में किस तरह से ज्यादा डॉक्टर्स बने, किस तरह से नर्सें ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हों देश में, वैक्सीन्स उपलब्ध हों, और वो वैक्सीन्स विशेष रूप से जो गवर्नमेंट सेक्टर में आज तक नहीं बने हैं, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में बने हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया गया। तो मैं शुरू करता हूं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से। सर, यूपीए वन और यूपीए टू में 27,408 डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट,
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर नए मंजूर हुए और इसमें से अधिकतर 80% तो यूपीए 2 में ही हुए। इनमें 27,408 में 14,881 हमारे वक्त में ही मुकम्मल हुए थे, लेकिन जो बाकी थे तकरीबन 13,000 वो नियर कम्प्लीशन थे या उन पे काम चल रहा था। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि उनका स्टेटस क्या है। इसी तरह से 29,703 दूसरे हॉस्पिटल थे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल के, ये अपग्रेडेशन के लिए थे, रिनोवेशन के लिए थे। इनमें 21,238 तो हमारे वक्त में ही मुकम्मल हुए थे, 29,000 में 21,000, लेकिन बाकी स्टेजेस में थे अंडर कंस्ट्रक्शन। मैं माननीय मंत्री जी से उनके बारे में भी पूछना चाहूँगा उनका स्टेटस क्या। सर, मदर एंड चाइल्ड की तरफ बहुत ध्यान दिया यूपीए गवर्नमेंट में, जच्चा बच्चा जिसको हम कहते हैं, माँ गर्भवती माँ हो और नवजात शिशु हो, उनके लिए हमने एक नई स्कीम की कि हॉस्पिटल के अंदर ही एक अलग स्टेट ऑफ आर्ट छोटा हॉस्पिटल हो, उसमें तमाम वो चीज़ें हों जो सिर्फ बच्चों और गर्भवती महिला के लिए ही उपलब्ध हों। तो इस तरह से 470 स्टेट ऑफ आर्ट 100 बेड, 50 बेड और 30 बेड के हॉस्पिटल्स हमने मंजूर किए, सेंक्शन किए, पैसा भी सब मंजूर हुआ, ये 2012 में और 2013 में 4000 करोड़ रुपए इनके लिए मंजूर भी हुआ। और इससे तकरीबन 28,500 एडिशनल बेड बच्चों के लिए और उनकी मांग के लिए बनते थे। मैं इसकी प्रोग्रेस भी माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा। सर, ह्यूमन रिसोर्स हमेशा स्टेट गवर्नमेंट उपलब्ध कराती थी, लेकिन पहली दफ़ा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में 1,56,000 डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, नर्सिस को स्वास्थ्य मंत्रालय से पैसा दिया जाता था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में, और विशेष रूप से उन एरियाज़ के लिए जहां राज्य सरकार के डॉक्टर्स या नर्सिस नहीं जाते थे, और 10,311 सपोर्टिंग स्टाफ था। मैं इसके बारे में भी माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि इसका क्या स्टेटस है। सर, आशा पहली दफ़ा इंट्रोडक्शन इसकी हुई, और ये इसलिए हुई कि हमारी बहुत सारी बहु बेटियाँ जो गर्भवती होती हैं, हमला होती हैं, वो बेमौत मारी जाती थी गांव में, विशेष रूप से जहाँ हॉस्पिटल नज़दीक न हो। तो इसलिए यूपीए गवर्नमेंट ने ये एक आशा, एक एक्रेडिटेड सोशल वर्कर का निर्माण किया, और जब मैंने मंत्रालय छोड़ा था उस वक़्त तक 8,90,000 इनकी संख्या थी, जिनको इंसेंटिव्स वगैरह सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वास्थ्य मंत्रालय देता था। और इनका काम था जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी रेख देख, उनको दवाइयां देना जो दवाइयां यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जाती थी, और उनको हॉस्पिटल लेने के लिए एम्बुलेंसेज, जिनकी चर्चा मैं आगे करूँगा, वो प्रदान की गई, दवाइयाँ उनको दी गई। तो इसके बारे में भी मैं कई जगह हमें शिकायत मिलती है कि इन आशा वर्कर्स को शायद अब इनकी संख्या तो ज़्यादा हुई होनी चाहिए, तो इनको कहा जाता है कि इनको पैसे नहीं दिए जाते हैं वक्त पे। तो ये भी मैं पूछना चाहता हूँ। सर, फ्री ड्रग इनिशिएटिव, मैंने बीच में सुना था कि आप लोग भी कुछ फ्री ड्रग इनिशिएटिव की बात कर रहे थे। सर, 2012-13 और 13-14 में हमने इनिशिएटिव लिया फ्री ड्रग इनिशिएटिव, और ये जो आप इंश्योरेंस के द्वारा, इंश्योरेंस के बगैर ही हम चाहते थे कि 4-5 साल के अंदर पूरे ड्रग्स पूरे देश में जो हो वो मुफ्त लोग जनता को मिले। और इसके लिए हमारी टू फोल्ड स्कीम थी। एक स्कीम थी कि कुछ पैसा राज्य सरकार दे और कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे। तो जब शुरू हमने स्कीम की थी तो पहले साल में हमने 1500 करोड़ दिए थे और दूसरे साल में 2000 करोड़ दिए थे, लेकिन इसके साथ साथ ही 5% जो
एडिशनल फंडिंग होती थी उनकी, एक तो ये गैप और 5% एडिशनल फंडिंग जो उनका पूरा जो एनवल्प होता था साल का, और जो इसको मानेगा तो 28 स्टेटों ने हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ एग्रीमेंट किया था कि वो इस चीज़ को लागू करेंगे फ्री ड्रग इनिशिएटिव का। ये भी मैं पूछना चाहता हूँ कि ये इसकी क्या लेटेस्ट स्थिति है। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि गर्भवती महिलाओं को और उनके बच्चों को हॉस्पिटल में लेना ले जाना और जो भी इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट है आम जनता को, उसके लिए भी हम लोगों ने 18,000 स्वास्थ्य मंत्रालय से उपलब्ध कराई थी सभी राज्य सरकारों को, 102 और 108 और 2,000 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, तो कुल मिलाकर 20,000 इस तरह से एम्बुलेंसेज और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स प्रदान किए गए थे। मैं इसके बारे में भी स्टेटस माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा। सर, न्यू इनिशिएटिव्स, नए कुछ इनिशिएटिव हमने लिए थे, और ये एक इनिशिएटिव था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये लॉन्च हुआ था, शायद मिसेज सोनिया गांधी ने इसको लॉन्च किया था 2011 में, कि जो गर्भवती महिलाएं हैं इनको तमाम चीज़ें केंद्रीय सरकार के द्वारा, जो राज्य सरकार के द्वारा है, पैसा राज्य सरकारों को दिया जाता था, एब्सोल्युटली फ्री, नो एक्सपेंस डिलीवरी में, फ्री ड्रग्स कंज्यूमेबल्स, फ्री डायग्नोस्टिक्स, फ्री डाइट, फ्री ब्लड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, फ्री ट्रांसपोर्ट फ्रॉम होम टू हॉस्पिटल एंड ड्रॉप बैक होम। तो इसके बारे में ये चालू हो गया था, बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन अब इसके बारे में भी शिकायतें मिल रही। इसी तरह से उनके नवजात शिशु के लिए भी, जो नवजात शिशु हो जाता था उसके एक साल पैदा होने के बाद एक साल तक उसको ट्रांसपोर्ट घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से बैक, और जो भी दवाइयां लगें चाहे कितनी कीमती हों वो भी मुफ्त केंद्रीय सरकार की तरफ से, वो राज्य सरकारों को पैसा दिया जाता था। इसके बारे में भी मैं पूछना चाहूँगा इस स्कीम के बारे में। सर, एक और नई स्कीम थी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें यह 2013 में हमने शुरू की थी, इसमें देश के 27,000 करोड़ बच्चे जो 18 साल की उम्र के नीचे हो, लड़के हों या लड़कियों को, लड़कियां हों, ये फरवरी 2013 में हमने शुरू की थी, इनकी फ्री स्क्रीनिंग और फ्री ट्रीटमेंट और सर्जरी मिलाकर, इसमें चार चीज़ों के लिए थी, इसका नाम ही रखा गया था 4 Ds, डिफेक्ट्स एट बर्थ, डिजीजेस डिफिशेंसीज एंड डेवलपमेंट डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी, किसी की टांग, किसी का नाक, किसी का कान पैदा होते ही ठीक नहीं है, उसका इलाज हो जाए हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, और तमाम पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया जाए, और इसके में 18 साल की उम्र से नीचे लड़के लड़कियां 27 करोड़ आते थे। सर, जब मैंने मिनिस्ट्री छोड़ी थी तो कुल उस वक़्त अभी एक साल भी नहीं पूरा हुआ था, एक साल पूरा हुआ था इस नई स्कीम को, तो उस वक़्त 3,50,00,000 बच्चों को स्क्रीन किया गया था और 1,00,000 बच्चों को ट्रीटमेंट और सर्जरी की गई थी मुफ्त। तो मैं आज इसके बारे में पूछना चाहूँगा कि आज क्या स्थिति है। सर, एक नए बच्चों के लिए, जो नवजात शिशु हैं उनके लिए एक दो चार और स्कीमें थी हर लेवल पे, वो थी स्पेशल न्यू केयर बॉर्न यूनिट्स, नंबर दो था न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट्स, और दूसरा होम बेस न्यू बॉर्न केयर यूनिट्स। इसकी भी प्रोग्रेस में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता था, क्योंकि इसमें हम लोगों ने 13,00,000 आशा ANM और JNM और डॉक्टर्स को ट्रेन किया था इस काम के लिए, तो इसकी क्या प्रोग्रेस। सर, मैटरनल एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, सर मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा लेकिन ज़रूर लूँगा इस मामले में, क्योंकि ये सरकार ने उसका क्रेडिट लिया है कि इम्यूनाइजेशन एकदम बढ़ गई जब से ये गवर्नमेंट आई। सर, उसका सबसे बड़ा ये कारण है कि जब हम इम्यूनाइजेशन की बात करते थे
تو فرضی چیزیں آ جاتی تھی کوئی جاتے نہیں تھے تو ایک دفعہ میں نے ریکارڈ مانگ کے خود ٹرائی کیا تو اس کے نام سے ہی پھر میں نے ہیلتھ منسٹرز کی میٹنگ لی اور اس میں ان کے سامنے ان کے اسٹیٹ میں فون کیے اس کے نام کے اس نام کی کوئی عورتیں ہی نہیں تھی ٹیلی فون ایسے لکھ لکھ کے ہوئے تھے تو تب ہم نے یہ میٹرنل چائلڈ ٹریکنگ سسٹم شروع کیا اور پہلے ایک ڈیڑھ سال منترالے میں ہی رہا اور پھر اس کے بعد ایک سٹینڈ الون بہت اچھی فیسلٹی بنی ہے شاید آپ وہاں گئے ہوں گے شاید دیش کے دوسرے حصوں میں وہ پہلا تھا اس طرح کا سسٹم کہ جہاں کئی سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں تو جو بھی ہمیں بچوں کے آتے ہیں تو ان کو سب کو ہم کنفرم کرتے ہیں نیشنل لیول سے ہی کہ بچے کو اس کو ویکسین ملا ہے نہیں ملا ہے کب ملنا تھا ماں کو کب ویکسین ملنا تھا اور ریمائنڈر بھیجتے ہیں تو چونکہ یہ منسٹری چھوڑنے سے ایک ڈیڑھ سال پہلے بڑے پیمانے پہ شروع تو ہم نے اس کو 2011 میں کیا تھا لیکن بڑے پیمانے پہ پورے نیشنل لیول پہ اس کو کیا یہ اسی کا کارن ہے کہ آج یہ ہمارا نیشنل امیونائزیشن پروگرام بڑا ہو گیا کیونکہ آج سینٹرل مانیٹرڈ ہے یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے اس کو ریمائنڈ کیا جاتا ہے اس کے فیملی ممبرس کو ریمائنڈ کیا جاتا ہے آج جب ہم نے منسٹری چھوڑی تو 10.5 crore پریگننٹ ویمن اینڈ چلڈرن ور رجسٹرڈ انڈر دس سر ویکلی سپلیمنٹیشن آف آئرن اینڈ فولک ایسڈ پہلے تو گربھوتی مہیلاؤں کے لیے نیشنل رورل ہیلتھ مشن میں یہ پروگرام تھا لیکن 2013 میں ہم نے یہ پروگرام کیونکہ بہت ساری بچیاں بھی جو سکول میں جاتی تھیں اور وشیش روپ سے غریب پریواروں کی ایس سی ایس ٹی اور گاؤں میں سبھی دھرموں اور جاتیوں کی تو ہم لوگوں نے نرنے لیا کہ اس آئرن اور فولک ایسڈ کو صرف گربھوتی مہلاؤں تک ہی سیمت نہیں کرنا چاہے بلکہ دیش میں 10 سال سے نیچے جتنے بھی بچیاں وشیش روپ سے اور بچے ہیں ان کو ویکلی آئرن اور فولک ایسڈ دینا چاہیے یہ لانچ ہم نے جنوری یا فروری 2013 میں کی تھی شاید اس کی بارے میں بھی سر میں جاننا چاہوں گا ان کے منتری جی سے کہ یہ پروگرام کیسے چل رہا سر پولیو مجھے بہت خوشی ہے کہ پولیو سر 2009 میں جب ہم نے یہ منترالے سنبھالا تھا میں نے تو اس وقت دنیا کا سب سے ہائیسٹ نمبر پولیو ہمارے دیش میں تھا دو اس کا 50% ہمارے دیش میں ہی تھا اور 50% پورے وشو میں تھا لیکن مجھے خوشی ہے یہ کہ یہ دیش کو کریڈٹ جاتا ہے دیش واسیوں کو اور ان لاکھوں اور کروڑوں ورکرز کو ہمارے ہیلتھ ورکرز کو جو دیش بھر میں کام کرتے ہیں اس کا 11 فروری 2014 کو بھارت پولیو مکت ہو گیا کیونکہ پولیو مکت کے لیے 3 سال کوئی کیس نہیں ہونا چاہیے تو 2011 سے لے کر فروری 2011 سے لے کر فروری 2014 تک کوئی بھی کیس نہیں ہوا تھا اور تب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ڈی جی خود آئی تھی بڑا فنکشن ہوا تھا اور اس میں دیش کو یہ ڈکلیئر کیا کہ بھارت کا پولیو مکت ہوا اس کے بارے میں بھی میں ماننیے منتری جی سے پوچھنا چاہوں گا ابھی کیا استھتی ہے سر فیملی پلاننگ بہت ضروری ہے آج کل ہم فیملی پلاننگ کے بارے میں نہیں سنتے ہیں زیادہ پہلی دفعہ ہم نے فیملی پلاننگ کی چرچا صدن میں کروائی تھی لیکن ہم نے وہ طریقہ بدل لیا تھا فیملی پلاننگ کا وہ کٹھور طریقہ نہیں کہ جس سے لوگ بھاگ جائیں لیکن پیپل فرینڈلی ایک طریقہ کیا تھا فیملی پلاننگ کا اور اسٹریٹجی بنائی تھی ایک تو اسپیسنگ کے بارے میں کہ ایک بچے شادی کے بعد کتنے سال کا گیپ ہونا چاہے پہلے بچے اور دوسرے سا بچے کے بیچ میں کتنا گیپ ہونا چاہیے تو اس کے لیے آشاز کو ٹریننگ دی جاتی تھی اور ان کے لیے ان کو الگ سے پیسہ دیا جاتا تھا لیکن ایک سب سے بڑا انوویٹو شاید وشو کا پہلا اور آخری جو قدم ہم نے UPA 2 میں اٹھایا
कि आशाओं के द्वारा, क्योंकि आशाएं जैसे मैंने कहा तकरीबन 9 लाख के करीब आशाएं देश के हर एक गांव में, तो गांव में बहुत ज़्यादा बच्चे इसलिए भी होते हैं क्योंकि वहां कोई साधन नहीं है कि जिसको बच्चे अगर नहीं भी चाहे रोकथाम का कोई काउंटरसेप्टिव्स नहीं है। तो इसलिए प्रोग्राम हमने शुरू किया कि आशाज के द्वारा फीमेल और मेल काउंटरसेप्टिव्स पूरे देश में बांटे जाएं। हमने कुछ राज्यों से शुरू किया था, कुछ डिस्ट्रिक्ट हमने हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया था और ये बहुत अच्छा कामयाब रहा था और उसके बाद इसको पूरे देश में करना था। तो मैं माननीय 18 स्टेटों से हमने शुरू किया था हाई फोकस, जहाँ ज़्यादा आबादी है, तो उसके बाद बाकी कंट्री में भी करना था। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूँगा कि ये बाकी स्टेटों में ये पहुँचा कि नहीं पहुँचा। सर, मेडिकल एजुकेशन ये बहुत ज़रूरी है। हमारे हॉस्पिटल्स अगर बने और उनमें डॉक्टर्स नहीं हों, तकरीबन 2020 तक हमको 4 लाख डॉक्टरों की कमी है और अधिकतर हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, तकरीबन 65% मेडिकल कॉलेजेस साउथ वेस्ट हैं लोकेटेड, और बाकी पूरी कंट्री जो 3/4 पार्ट ऑफ कंट्री है उसमें 40 के करीब परसेंट है। तो इसलिए हमने मेडिकल कॉलेजेस की क्या संख्या बढ़े, इसके लिए मेडिकल काउंसिल के द्वारा मिनिस्ट्री ने बहुत कदम उठाए, लैंड रेशनाइज की, उसको 25 एकड़ के बजाय 20 एकड़ किया और सिटीज़ में 10 एकड़ किया। फिर जो 50 साल से मैक्सिमम इनटेक सिर्फ मेडिकल कॉलेज में 150 से ज़्यादा नहीं हो सकता था स्टूडेंट्स, यूजी स्टूडेंट्स, उसको 250 किया, और इसी तरह से वन टाइम कंसेशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को पूरी कंट्री में दी कि जहां 20 साल से कोई एक सीट भी नहीं बढ़ी थी उनकी सीटें बढ़ाई। इसी तरह से एज लिमिट, क्योंकि मेडिकल कॉलेज रिजेक्ट हो जाते थे या इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से या फैकल्टी की वजह से, तो फैकल्टी के लिए मेडिकल काउंसिल के द्वारा एज बढ़ाई गई 58 से पहले 65 और फिर 70 साल, जिसकी वजह से बहुत आसानी हुई मेडिकल कॉलेजेस को। DNB क्वालिफिकेशन वाले डॉक्टर्स को फैकल्टी का अप्रूव कर दी। मैं इसमें जानना चाहूँगा कि इसमें अभी कितने नए मेडिकल कॉलेज इन 2 सालों में आए, मुझे जहाँ तक याद है, अंदाज़ा लिखा नहीं है, मेरे ख्याल में UPA 2 में तकरीबन 95 मेडिकल कॉलेज आए थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसी वक़्त ये नई हुई थी और उनसे लाभ किस किस ने उठाया। सर, हमने पहली दफ़ा, जैसे मैंने कहा कि अधिकतर मेडिकल कॉलेजेस चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हों प्राइवेट सेक्टर हों, विशेष रूप से प्राइवेट सेक्टर साउथ वेस्ट में है, तो एक पहली दफ़ा शायद इंडिपेंडेंट इंडिया में स्वास्थ्य मंत्रालय से कुछ इन बैकवर्ड एरियाज और हिली एरियाज के लिए हमने मेडिकल कॉलेजेस अप्रूव किए, सेंक्शन किए और बांड भी लिए 58 नए मेडिकल कॉलेजेस। आपके अगर मुझे याद है हिमाचल प्रदेश में भी 3 मेडिकल कॉलेजेस दिए थे, जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में और यूपी, बिहार और उड़ीसा, सभी उड़ीसा में भी, बंगाल में भी, सब ये हमने उन्हीं स्टेटों में बांटे जहाँ कमी थी मेडिकल कॉलेजेस। सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा इनकी क्या स्थिति है। सर, इसी तरह से पैरामेडिकल सर्विसेज में भी बहुत कमी रही है, तो पहली दफ़ा एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, जिसका मैंने ही नजफगढ़ में फाउंडेशन स्टोन रखा था, और 8 रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज हमने नागपुर, भागलपुर, कोयम्बटूर, भुवनेश्वर, भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद और चंडीगढ़, ये 3-3 स्टेटों के लिए एक एक रीजनल इंस्टीट्यूट था। सर, मैं इनके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, क्या इनकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है तो कब तक ये तैयार हो जाएंगे। सर, नर्सिंग एजुकेशन भी उतनी ज़रूरी है,
इसकी तरफ से हमने विशेष ध्यान दिया. हमने यूपीए 2 में मेडिकल जो एएनएम की कॉलेजेस की संख्या है 1800 से बढ़ाकर 4400 से बढ़ाकर उनकी 1800 कर दी थी, और इसी तरह से जेएनएम स्कूल्स की. तो जाते जाने से पहले आखिरी 2013 में हमने 137 जेएनएम और 132 एएनएम स्कूल और मंजूर किए थे. मैं माननीय मंत्री जी से उनके बारे में भी पूछना चाहूँगा कि उनकी क्या स्थिति है. सर, जहाँ तक एम्स का सवाल है, बहुत अरसा पहले जब एनडीए थी उन्होंने 6 एम्स मंजूर किए थे, लेकिन वो छोटे पैमाने थे. एक एम्स के लिए 200 करोड़ का था, क्योंकि ना तो प्लानिंग कमीशन की परमिशन थी उनको और न ही कोई बनाया था कि कितना बेड का होगा. क्या हुआ, मैं यहाँ जयराम रमेश जी का धन्यवाद करता हूँ कि जब मैं यूपीए 1 में भी उसमें कोई खास काम नहीं हुआ, लेकिन यूपीए 2 में हमने शुरू कर दिया और जयराम रमेश जी ने मुझे उनकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस दे दी सभी की, और हमने वो 2 साल के अरसे में 6 के 6 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट मुकम्मल कर दिए और बन भी गए, ऑपरेशनल भी हो गए. और 2 हमने और मंजूर किए थे, एक रायबरेली में और एक रायगंज वेस्ट बंगाल में. मुझे वो अफसोस से कहना पड़ता है कि रायगंज वेस्ट बंगाल में जो आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने ज़मीन नहीं दी पूरे 5 साल. लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ यूपी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उनका, उन्होंने ज़मीन दी और उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी. मैं पूछना चाहूँगा कि उस रायबरेली के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का बहुत कंस्ट्रक्शन हमारे वक्त में हुई थी, आज उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है. सर, बहुत जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बना, हॉस्पिटल्स का विस्तार हुआ स्टेट लेवल, लेकिन अगर कोई जगह रही थी तो हम सब के नाक के नीचे जगह रह गई थी, वो है दिल्ली, जो हिंदुस्तान का दिल है. यहाँ जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं इनमें रीडेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुआ ही नहीं था इन 60 सालों से जब से वो बने थे. मुझे खुशी है कि इन 4 हॉस्पिटल्स का रीडेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने पहले साल में ही बनवाया, दूसरे साल तीसरे साल में पैसा मंजूर हो गया. मैं धन्यवाद करता हूँ मनमोहन सिंह जी का कि उन्होंने पैसे मंजूर किए. तो रीडेवलपमेंट सफदरजंग हमने शुरू किया और आज हॉस्पिटल तैयार है आपके पास. एक हॉस्पिटल तो एक साल में ही बना था, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, एक रिकॉर्ड पीरियड में, एक साल में, और इनॉग्रेशन भी एक ही साल में हुआ था. लेकिन और भी तकरीबन 1300 बेड का हॉस्पिटल पहली दफ़ा सफदरजंग में ऐड हुआ है, एमरजेंसी ब्लॉक और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, एक 800 बेड का, एक 502 बेड का. सर, ये तैयार हो गया है. साल भर से आप देखते हैं जब एम्स जाते हैं आप तो दाईं तरफ देखें बिल्डिंग ये तैयार हो गई है. तो मैं माननीय, और शायद ये भारत का प्राइवेट सेक्टर में नहीं पब्लिक सेक्टर में सबसे मॉडर्न हॉस्पिटल होगा, क्योंकि इसी हॉस्पिटल में एक्सकलेटर्स और एलिवेटर्स पहली दफ़ा हैं, बाकी जगह लिफ्ट्स हैं. क्योंकि मैंने उसमें इंसिस्ट किया था कि एक हॉस्पिटल तो होना चाहिए जिसमें एक्सकलेटर्स और एलिवेटर्स हों, और उसके साथ ये बना है, ये हॉस्पिटल तैयार है. मैं खाली पूछना चाहूँगा कि आप फीता कब काट रहे होंगे इसका. रीडेवलपमेंट ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सर इसमें भी जब से ये बना इसमें कोई रीडेवलपमेंट नहीं हुआ. मुझे खुशी है कि इसमें पहली दफ़ा तमाम वार्ड्स रेनोवेट हो गए, तमाम थिएटर्स रेनोवेट हो गए, ओपीडी रेनोवेट हो गया, प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट 2 साल में ही हो गए थे, कन्वर्जेंस ब्लॉक 9-10 मंजिला, एक्सपेंशन ट्रामा सेंटर, सराय मल्टी पार्किंग सिस्टम 450 की एक साल की रिकॉर्ड टाइम में हुई, हॉस्टल बिल्डिंग 503 बिल्डिंग है 550 बेड की,
डाइनिंग हॉल शायद एशिया का सबसे बड़ा डाइनिंग हॉल स्टूडेंट्स का ये तमाम तैयार हो गए, लेकिन जो अधेरे छोड़ गए थे मेरे वक्त में कंस्ट्रक्शन में, उनके बारे में चिंतित हूँ। वह है सर्जिकल ब्लॉक जिसमें 20 ओटीज और 100 आईसीयूज बन रहे थे, मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक जिसमें 300 बेड का था, ओपीडी ब्लॉक 500 कंसल्टिंग रूम्स थे और जिसमें 12,000 पेशेंट्स एट ए टाइम देखे जा सकते हैं ये तमाम, और कनेक्टिंग टनल बिटवीन ट्रामा सेंटर एंड मेन एम्स कैंपस, ये आधी स्टेज पे कंस्ट्रक्शन करके हमने छोड़े थे। मैं इनके बारे में पूछना चाहूँगा कि ये कंस्ट्रक्शन कब हो जाए, और तीन ऐसी चीज़ें जो हमने अप्रूव करके छोड़ दिए थे और कंस्ट्रक्शन होने वाली थी, वो इमरजेंसी ब्लॉक, डायग्नोस्टिक ब्लॉक और जीरियाटिक ब्लॉक। जीरियाटिक ब्लॉक हमने वो जो अवेलेबल बिल्डिंग थी उसमें तो शुरू कर दिया था, लेकिन वो बहुत छोटा सा एक स्टैंड अलोन नया जीरियाटिक ब्लॉक बनना था जिसमें उसको शिफ्ट करना था। इनकी मैं माननीय मंत्री जी से प्रोग्रेस चाहूँगा। एम्स में दूसरा कैंपस, सेकंड कैंपस हमने झज्जर, मैं धन्यवाद करता हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जो चीफ मिनिस्टर थे हमारे हरियाणा के, उन्होंने 300 एकड़ ज़मीन हमने मुफ्त दी हमको, और जिसमें सेकंड कैंपस झज्जर बनाने का, जिसका हमने रिकॉर्ड टाइम में 6 महीने में ओपीडी शुरू कर दिया था 2011 में, और बाकी पे अब सेकंड कैंपस बनना है। उस सेकंड कैंपस के बारे में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि वो सेकंड कैंपस की क्या स्थिति है। इसी में से हमने कैंसर इंस्टीट्यूट्स का मैं चर्चा आगे करूँगा, लेकिन चूंकि इसी प्रमाइसेस में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बन रहा है, इस बात को देखते हुए कि कैंसर कितना विश्व में आज एक बड़ी बीमारी बन के आया है, और उसके लिए भी हमने सबसे बड़ा कदम यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का लिया, और एक नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट उसी प्रमाइसेस में तकरीबन 50 एकड़ उसी में से काट के हमने लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी ने उसका पत्थर रखा था। 2,200 करोड़ की लागत से शायद ये एशिया का पहला कैंसर इंस्टीट्यूट होगा। मैं उसमें भी माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि उस कैंसर इंस्टीट्यूट की क्या प्रोग्रेस है। सर, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, इसमें भी रीडेवलपमेंट पहली दफ़ा हुआ, और इसमें जो चीज़ें बनी थी वो हाउसिंग ब्लॉक बन गया था, हॉस्पिटल 1100 बेड का बन गया था हमारे वक्त में, ये तमाम इनॉग्रेट मनमोहन सिंह जी ने किया था, लेकिन जिसमें काम चल रहा था वो एकेडमिक ब्लॉक और कैंसर ब्लॉक का चल रहा था, उसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा। सर, एक्सपेंशन ऑफ राम मनोहर लोहिया भी इसी दौरान हमने किया, न्यू इमरजेंसी बिल्डिंग और ओटीज एंड आईसीयूज ये बन गए थे, मुकम्मल हो गए थे, पीजीआई बिल्डिंग इनॉग्रेट भी हो गई थी, लेकिन सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक अंडर प्रोग्रेस था, इसका क्या हुआ? सर, एक्सपेंशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ जिप में पांडिचेरी, सर इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई थी, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, अपग्रेडेशन ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, एकेडमिक सेंटर, हॉस्टल कॉम्प्लेक्स, और ये और रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट, ये 3 साल के अरसे में सब मुकम्मल हुए थे, लेकिन एक चीज़ जो अभी बन रही थी, एक्सपेंशन ऑफ सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो इसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से पूछ रहूँगा। नॉर्थ ईस्ट में भी इसी तरह से शिलांग में निग्रिम्स बना, जिसका मिसेस सोनिया गांधी जी ने 5 मार्च 2010 को इनॉग्रेशन किया था, लेकिन जो प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन थे या अंडर जो अप्रूव हो गए थे वो थे नर्सिंग कॉलेज विद हॉस्टल, मेडिकल कॉलेज और कैंसर सेंटर, इन तीन का, नर्सिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज और रीजनल कैंसर सेंटर की क्या स्थिति है, ये मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा। सर, वैक्सीन्स, हमारे बच्चे अगर उनको आज वैक्सीन, हमें गौरव है कि हम अपने बच्चों को बचा पा रहे हैं, उनके लिए सर हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है देश की, उसमें 50% हमें वैक्सीन
तकरीबन पब्लिक सेक्टर से लेने चाहें ताकि एक वैक्सीन सिक्योरिटी हो देश के लिए। इसकी तरफ यूपीए गवर्नमेंट ने बहुत भारी कदम उठाया और इसके लिए चार पांच जगह पे वैक्सीन बनाने के लिए जो इंस्टीट्यूट थे उस पर कार्रवाई बड़े लेवल पे शुरू की थी। सर, हमारे पास कसौली था पहले, लेकिन वो बंद हो गया था क्योंकि जीएमपी वो पूरा नहीं करता था डब्ल्यूएचओ के, तो उसको दोबारा नया बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, तो यहाँ डीपीटी और टीटी टेटनस शुरू होता था। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये दोबारा शुरू हुआ, बिल्डिंग बन गई थी, इक्विपमेंट आ गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया था। सर, इसी तरह से बीसीजी वैक्सीन लेबॉरट्री है चेन्नई, यहाँ 80 मिलियन डोजेज ऑफ बीसीजी वैक्सीन जो बच्चों के ट्यूबरक्लोसिस है इसके लिए हमारा हम देते हैं सरकार की तरफ से, आप देते हैं आजकल, तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंप्लीट हो गया था, तो ये कब कमीशन होगा। सर, इसी तरह से तमिलनाडु में पॉस्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 146 करोड़ की लागत से हमने शुरू किया था, इसमें तीन डीपीटी टीटी और डीटीटी वैक्सीन बनने थे और एक 60 मिलियन दूसरा 55 मिलियन और तीसरा 15 मिलियन डोजेज सालाना तैयार करता था। ये इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह तमाम प्रोग्रेस में थी जब हमने मंत्रालय सरकार छोड़ी थी यूपीए ने, आज इसकी क्या प्रोग्रेस है। सर, चौथा इंटीग्रेटेड वैक्सीन कॉम्प्लेक्स एट चिंगलपट्टू तमिलनाडु, सर ये तो बहुत बड़ा, अगर मुझे याद है तो तकरीबन 600 करोड़ का प्रोजेक्ट था और इसको हमने कैबिनेट में नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया था। 100 एकड़ पर ये बन रहा था और इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर ये था कि ये वो पांच वैक्सीन पैदा कर रहा था जो हम अभी तक पब्लिक सेक्टर में नहीं बनाते हैं, प्राइवेट सेक्टर से हमको लेना पड़ता है और हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के ये पांचों हिस्सा हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है ये पेंटेवेलेंट और जेई और मीजल्स हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी। सर, ये कई लाख मिलियन डोजेस तैयार करने वाला था, तो इस पे ये कंप्लीट हुआ है, किस स्टेज में है, ये बहुत ज़रूरी है देश के लिए। और यहाँ 360 एकड़ ज़मीन और रखी थी हमने मेडिकल डिवाइसेस पार्क के लिए, उसकी क्या प्रोग्रेस हुई, क्या वो आपने वो काम शुरू किया। मैं बहुत सारी चीज़ें बीच में करना चाहूँगा। सर, जैसे मैंने कैंसर के बारे में बताया, कैंसर के लिए डब्ल्यूएचओ ने मीटिंग बुलाई, यूनाइटेड नेशन ने तमाम विश्व के हेड्स ऑफ स्टेट्स, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और हेल्थ मिनिस्टर की दो दिन की कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि सबसे ज़्यादा अगर खतरा है तो भारत को खतरा है, वैसे तो विश्व को खतरा है कि दो बीमारियां आने वाले 2030 तक दुनिया को रूल करेंगी, वो है कैंसर और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, मैं कई बार उल्लेख कर चुका था। तो इसके लिए हमने कैंसर के लिए ये चीज़ें मंजूर की थी, प्लानिंग कमीशन से कैबिनेट भी पैसे भी मंजूर, स्टेटों में बांड भी लिए थे, सब जगहें भी चुन ली थी। मैं चाहूँगा एक तो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने कहा कि 2000 करोड़ की लागत से ज़्यादा झज्जर में प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था। उसके बाद 20 स्टेट लेवल कैंसर इंस्टीट्यूट्स 20 स्टेट कैपिटल्स पे और उसके बाद 50 टर्शरी कैंसर इंस्टीट्यूट एक रीजनल लेवल्स पे और एक चतरंजन जो कैंसर इंस्टीट्यूट है उसको भी सेकंड कैंपस तकरीबन 550 करोड़ का कलकत्ता में ये मंजूर हुआ था। तो ये जो 72 कैंसर इंस्टीट्यूट्स जब तक 2000 अभी तक अगर कहें तो हमारे पास स्वास्थ्य मंत्रालय के पास सिर्फ एक कैंसर इंस्टीट्यूट है, तो 72 हम लोगों ने ये शुरू भी बांड भी दिए सब राज्यों को, तो ये हमारे देश के लिए कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इनसे निवेदन करूंगा, आप सब आपसे पूछूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि इनकी क्या स्थिति है। सर, टाइम को देखते हुए कि बहुत सारे हमारे साथियों में बोलना है और मैं उनको ये दे दूंगा कि वो इसके बारे में वो पूछेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा कि सरकार ने
ये टू प्रमोट इंश्योरेंस मॉडल। सर हमारा इंश्योरेंस मॉडल कई विश्व में बड़ी चर्चा हो, अमेरिका के हेल्थ मिनिस्टर ने, ब्रिटेन के हेल्थ मिनिस्टर ने, उन्होंने हमें कहा कि आप हमें अपना मॉडल सिखाइए, ये हमारा सारा पैसा जो सरकार का है वो इंश्योरेंस में ही चला जाता। सर मैंने अपने देश में भी देखा है, मैं यहाँ चर्चा नहीं करूँगा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्राइवेट सेक्टर को कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन क्या होता है उसकी मैं बारे में चर्चा नहीं करूँगा, वो अच्छा नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस में आपका बिल कितने का होता है असली, और बनता कितने का है, और स्टेट कंट्रीज का भी दिवालिया निकलता है और अच्छा उत्थान भी नहीं होता। और ये अमेरिका के हेल्थ मिनिस्टर ने और बर्तानिया के हेल्थ मिनिस्टर में बताइए कि आपका ये बहुत अच्छा चलता। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसको इंश्योरेंस के बजाय यही जो हमने सिस्टम किया था कि इंश्योरेंस के बगैर तमाम चीज़ें हम उपलब्ध कराएं, अगर ये हमारे जो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो UPA 1 UPA 2 में शुरू हुआ हॉस्पिटल्स का, कैंसर इंस्टीट्यूट्स का, हम इसको अगर दिन रात करके तैयार करें और इन हॉस्पिटल्स में हम मुफ्त दे दें सब चीज़ें, तो किसी को इंश्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे अनुरोध होगा, कितने लोग गांव में कौन इंश्योरेंस करेगा, कहाँ इंश्योरेंस ढूंढता रहेगा। ये तो कागज़ में अच्छा लगेगा इंश्योरेंस स्कीम, और प्रचार करने के लिए भी अच्छे लगेगा, लेकिन जो स्कीम अमेरिका और बर्तानिया में कामयाब नहीं हुई वो हमारे देश में जहाँ वो कैसे कामयाब होगी, उन गाँव में कहाँ पहुँच जाएगा। ये मेरा निवेदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच।